गोला थाने की पुलिस टीम ने गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान अजय कुमार पांडे पुत्र स्वर्गीय चेत बहादुर पांडे निवासी खोपापार थाना गोला जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। इस संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि गोला थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा पुलिस टीम के साथ गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित चल रहे एक अभियुक्त को थाना क्षेत्र के 12 नगर मोड़ गोपालपुर बाजार के पास से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गोला थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह कांस्टेबल नूरुद्दीन खां रामनयन और वीरेंद्र चौधरी शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा आज थाना प्रभारी गोला को थाना गोला पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 9/21 यूपी गैंगस्टर अधिनियम में वांछित अभियुक्त अजय कुमार पांडे जो कि थाना गोला के ही खोपापार गांव का है उसको गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। ये गैंगस्टर के खिलाफ अभियान चल रहा जिले में और जो भी वांछित हैं उनकी सबकी गिरफ्तारी का प्रयास पुलिस कर रही है। जो गिरफ्तार नहीं हो पाएंगे उनके विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही और इनाम घोषित करके कार्यवाही की जाएगी।